आज ना बेबी होटल में जाके पूरे मजे करेंगे। रुचि तुम? अरे कौन रुचि, क्या रुचि, क्या बोल रहा है तू, है कौन तू? रुचि तुम तो मेरी बीवी हो ना, और तुम इस बुड्ढे के हाथों में हाथ डाल के बैठी हो, ये क्या कर रही हो तुम? अबे ओ, तेरा दिमाग तो नहीं खराब हो गया? मैं तेरी बीवी कैसे हो सकती हूँ? अरे क्या बोल रहा है तू, इसका पति एक बड़ा बिजनेसमैन है और तू एक कैब ड्राइवर, तेरा दिमाग खराब हो गया क्या? पी के आया क्या तू? तू चुप रह बुड्ढे, मैं तुझसे बात नहीं कर रहा, मैं अपनी बीवी से बात कर रहा हूँ। रुचि ये सब क्या चल रहा है, और तू इस बुड्ढे अंकल के साथ क्या कर रही है? अरे क्या रुचि रुचि लगा रखी है, तुम्हें समझ नहीं आ रहा क्या मैं रुचि नहीं हूँ? मैं तो मृदुला हूँ ना, बोलो ना डार्लिंग से। ये तो मेरी डार्लिंग मृदुला है, पर तू इसको रुचि रुचि बुला रहा है। तू हाथ छोड़ इसका, हाथ छोड़ बुड्ढे इसका। अबे ओ, तेरी हिम्मत कैसे उनसे ऐसे बात करने की? तुझे पता भी है वो मुझे कितना प्यार करते हैं और मुझे कितने महंगे महंगे गिफ्ट्स देते हैं वो। तू कौन होता है हमारे बीच में बोलने वाला? अरे बेबी इसके ना मुंह लगने की कोई जरूरत नहीं है, मैं देखो तुम्हारे लिए क्या लाया हूँ, iPhone 14 Pro Max। वाओ, iPhone 14 Pro Max, बेबी you're the best, I'm so happy। तुम मुझे कितना खुश रखते हो ना, ये तो बहुत महंगा होगा, कम से कम भी 1.5 लाख रुपए का। अरे बेबी तुम्हारे लिए ना जान भी हाजिर है, ये आईफोन क्या चीज है? सच में लोग ना बिल्कुल सही बोलते हैं, प्यार करने की कोई उम्र नहीं होती, लव हैज नो एज। तुम मुझे कितना खुश रखते हो ना, कितनी केयर करते हो मेरी, और एक तरफ ऐसे गरीब लोग हैं जो शादी करके बैठ जाते हैं लेकिन अपनी बीवी को खुश कैसे रखना है उन्हें ये नहीं पता होता, पैसे उनसे कमाए नहीं जाते, फिर एक्सपेक्ट करते कि बीवी उनके अकॉर्डिंग चले। अरे बेबी इसके मुंह मत लगो, अरे ड्राइवर चलो मैं होटल ले चल जल्दी, हमने वहां जाके मजे करने हैं। अरे बेबी मेरा ना कोई इंपॉर्टेंट फोन आ रहा है, मैं 2 मिनट बात करके आता हूँ, बाकी इसके मुंह मत लगना, अगर ये कुछ बोले ना मुझे बोलना बाद में। रुचि ये बहुत गलत कर रही हो तुम मेरे साथ, तुमने पैसों के लालच में आके इस बुड्ढे को लवर बनाया। देखो सनी यहाँ ना ड्रामेबाजी करने की जरूरत नहीं है, मैंने उसे बोल रखा है कि मेरा पति एक बिजनेसमैन है जो काम के सिलसिले में बाहर रहता है, अगर उसे ये पता चल गया ना कि मेरा पति एक कैब ड्राइवर है तो मेरी बेइज्जती हो जाएगी, समझे? तुम मुझे धोखा दे रही हो सिर्फ इसकी वजह से। अबे किसका फोन आ गया? सुनो मैंने खूबसूरत और मालदार लड़की को शिकंजे में ले लिया है, उसके ऊपर 4-5 लाख का खर्चा भी कर दिया मैंने, अब मैं होटल के बहाने ना उसे तेरे पास ला रहा हूँ बेचने के लिए, तू पैसे तैयार रखियो। शाबाश, ये हुई ना बात, ठीक है जल्दी से मेरे पास लेके आ जा, उसके बाद तुझे तेरे पैसे मिल जाएंगे, रखता हूँ रेडी तेरे पैसे, जल्दी आ जा। हाँ हाँ लेके आ रहा हूँ, एकदम चमचम पीस है, देख के खुश हो जाएगा तू। ठीक है जल्दी आ जा। देखो वो बुढ़ा नहीं है, वो बहुत अमीर आदमी है समझे, वो मुझे बहुत खुश रखता है, मेरे सारे महंगे शौक ना पूरे करता है जो तुम नहीं कर सकते। अरे मैं तो पागल थी जो तुम्हारे प्यार में पागल हो गई, तुझे तो बाद में समझ में आया कि प्यार व्यार कुछ नहीं होता, सिर्फ पैसा है जो मैटर करता है, इसी वजह से मैंने उसे पटाया है ताकि वो मेरे खर्चे पूरे कर सके। देखो तुम्हारे आगे ना हाथ जोड़ती हूँ, बहुत मुश्किल से फंसा है वो, अगर तुमने उसके सामने कुछ भी बोला ना वो बुरा मान जाएगा, और अगर वो बुरा मान गया ना मेरे लिए दिक्कत खड़ी हो जाएगी। रुचि मेरी बात तो सुनो। हो गई बेबी बात, चलो ड्राइवर ले चलो गाड़ी। सर 2 मिनट बस मैं कॉल कर लूँ फिर चलते हैं। बेबी मुझे तो लगता है इसने जाना ही नहीं है, ये फजूल के बहाने बना रहा है, हम ना दूसरी कैब कर लेते हैं कोई। नहीं नहीं सर, अगर आप ये राइड कैंसिल कर दोगे मेरा तो नुकसान हो जाएगा, बस एक कॉल की तो बात है, 2 मिनट मैं कॉल कर लेता हूँ फिर चलते हैं। बेबी इतना महंगा गिफ्ट, थैंक यू सो मच। अरे बेबी तुम्हारे लिए जान भी हाजिर है, बोला ना तेरे को। अरे अरे क्या हो रहा है, आज कॉल्स पे कॉल्स आ रही है सबको। हेलो, कांग्रेचुलेशन मैम आपकी लॉटरी लगी है 2 करोड़ रुपए की। क्या, पर मैंने तो कोई लॉटरी डाली नहीं। आपने नहीं मैडम, वो राकेश है ना उसने नंबर डाला था और आपकी लॉटरी लग चुकी है, उन्होंने आपका नंबर दिया था, आप जल्दी से ऑफिस आइए और पैसे ले जाइए। सच में थैंक यू सो मच। राकेश तुमने कोई लॉटरी डाली थी क्या? हाँ लॉटरी डाली थी, तो क्या हुआ? अरे हमारी 5 करोड़ की लॉटरी निकल गई।
रितेश, ये सब क्या चल रहा है? एक सेकेंड, अभी तो तुम कह रही थी कि तुम मेरी बीवी नहीं हो, तो फिर किस बात का हक जता रही हो? अरे यार ऐसे मत करो प्लीज, मैं तुम्हारी बीवी हूँ। क्यों, अब नाटक नहीं करना क्या अपने इस लवर के सामने कि तुम इसे प्यार करती हो? अब जाओ इसी के साथ। यार तुम बुरा मत मानो, इस बुड्ढे को तो मैं अभी भगा देती हूँ। देख बुड्ढे, मैं तुझसे कोई प्यार व्यार नहीं करती हूँ और ना मुझे तुझ में कोई इंटरेस्ट है। मैं बस तेरे पैसों के लिए तुझे यूज कर रही थी। मेरे पति की 5 करोड़ रुपए की लॉटरी निकली है। चलो ना बेबी, हम चेक लेके आते हैं। बुड्ढे तू निकल बाहर, निकल जल्दी। सुन बुड्ढे, बाहर निकल, बाहर निकल। देखो मेरे पति की 5 करोड़ की लॉटरी निकल गया, अब मुझे तेरी जरूरत नहीं है, जा यहाँ से। हेलो, सॉरी मैम, गलती से मिस्टेक हो गई, आपकी लॉटरी नहीं लगी है। लॉटरी नंबर 203 था और आपका 1202। क्या, ये क्या बोल रहे हो तुम? हेलो, तुम्हारी कोई लॉटरी नहीं निकली है, गलत नंबर लग गया था उन लोगों से। मैं बेवकूफ हूँ जो तुम जैसे आदमी से उम्मीद लगा के बैठी थी। तुम जिंदगी भर ना निठल्ले रहे हो, निठल्ले हो और निठल्ले ही रहोगे, तुम्हारा कुछ नहीं होने वाला है। चलो ना बेबी, हम दोनों चलते हैं, मेरे लिए मैटर नहीं करता, हम दोनों ही चलते हैं। चलो। वाह, मान गया तुझे मैं। अरे इतनी जल्दी तो गिरगिट भी रंग नहीं बदलती जितनी जल्दी तू रंग बदल रही है। अरे तुझे क्या लगा कि मुझे लॉटरी निकली है? नहीं, वो मेरा दोस्त था जिसने तुझे झूठा फोन किया था कि मुझे लॉटरी लगी है। मुझे कोई लॉटरी नहीं लगी, बस एक कॉल की तो बात है, 2 मिनट में कॉल कर लेता हूँ फिर चलते हैं। भाई सुन, मेरी बीबी को कॉल करना और उसे बोलना कि मुझे 5 करोड़ की लॉटरी निकली है, अभी कॉल कर। बस मैं सिर्फ ये साबित करना चाहता था कि तू एक नंबर की झूठी है, मक्कार है तू। सच में कैसे कोई इतना घटिया हो सकता है, कोई सोच भी नहीं सकता। जो मैं तेरे साथ करने लगा था ना, वो तो इससे भी ज्यादा घटिया था। तूने क्या सोचा कि मैं पागल हूँ जो तेरे प्यार में पड़ा हुआ हूँ, तुझ पे पैसे लुटा रहा हूँ, तुझे महंगे महंगे गिफ्ट दे रहा हूँ? पर नहीं, मैंने ना तेरा सौदा कर रखा है, तुझे बेचने चला था मैं। आज होटल में लेके जा रहा था ना तुझे, वो इसलिए लेके जा रहा था ताकि वहां तुझे बेच सकूं मैं। अब बताता हूँ मैं तुझे कि घटियापन क्या होता है, चल मेरे साथ। छोड़ो, अबे छोड़ो मुझे। छोड़ से, छोड़। अगर इसको हाथ लगाया ना तो काट दूंगा तेरा हाथ में। वो मेरी बीबी है, चाहे जैसे भी है तो मेरी बीबी ना। अगर इसके बारे में कुछ गलत सोचा ना तो देख लेना। तू मुझे धमका क्यों रहा है, पीछे कर इसे। अबे बुड्ढे, ये गुस्सा ऐड दूंगा तेरे अंदर अगर इसके बारे में कुछ गलत सोचा ना। चल भाग यहां से, भाग यहां से, चल भाग। तुम इस चक्का चौंध भरी जिंदगी की वजह से मुझे धोखा दे रही थी। अरे वो तो तुझे प्यार भी नहीं करता था, तेरा फायदा उठाना चाहता था वो, देख लिया तूने। सॉरी, मुझे माफ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, पैसे के लालच में अंधी हो गई थी मैं, तुम्हारा प्यार नहीं देख पाई, प्लीज माफ कर दो मुझे। बस ना तो तुम माफी के काबिल हो और ना मैं तुझे माफ कर सकता हूँ। वो तो तेरे साथ कुछ गलत होता नहीं देख सकता था मैं, इसलिए मैंने तुझे बचाया। पर लेकिन आज के बाद तेरे और मेरे रिश्ते खत्म, यहीं पर खत्म।